नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, ये बातें तो बताना नहीं चाहता था, पर इन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, और आप हमारी यह बात को तभी समझ पाएंगे जब आप आज की इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में बड़ा ही अनोखा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, वो बदलाव होने वाला है जिन्हें जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और दोस्तों इनकी सच्चाई जानकर आप बिल्कुल ही खुशी के आंसू रोक नहीं पाएंगे। कि दोस्तों, इस वीडियो में आपको वो सच्चाई हम बताने वाले हैं जिन्हें जानने के लिए आप पिछले कई समय से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब वह वक्त आ चुका है जिसके लिए आप पिछले कई समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कल से अब आप सभी के जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात आप सभी को बता रहे हैं इन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी दोस्तों, जो चीज़ आपने कभी सोची नहीं थी दोस्तों, वे बड़ी घटना भी कल से आप सभी के जीवनकाल में होने वाली है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही भाग्यशाली भी रहेगा। जो भी जातक इन्हें अंत तक देखेगा वो कल से अपने जीवनकाल में धनुष्य मालामाल हो जाएगा। जीवनकाल में सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और जिस चीज़ की चिंताएं आपके जीवनकाल में हमेशा लगी रहती है, सबसे पहले उनका चिंता आप सभी के जीवनकाल से हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले बता दें कि दोस्तों, यशमी ग्रहों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है आप सभी के लिए। यशमी भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर यशमी प्रसन्न हो चुकी है। हाँ जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यशमी ग्रहों की जो स्थिति है दोस्तों, बुध और गुरु आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति दर्शा रहे हैं। जी दोस्तों, यशमी शुक्र आपके लिए लाभ के सातवें भाव में हैं, और दोस्तों गुरु भी यशमी आपकी राशि से सातवें भाव में है। यानी कि दोस्तों, लाभ के नए नए मौके आपको एक साथ मिलने वाले हैं। और दोस्तों, जब गुरु और बुध एक साथ ऐसे चमत्कार करते हैं, साथ ही साथ शुक्र जब आपके साथ अच्छे हैं, तो दोस्तों इन तीनों की युति से बड़े ही राजयुग का निर्माण होता है। और दोस्तों, यश में गजकेसरी नाम का राजयुग का निर्माण होगा, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में सुख समृद्धि भी लाने वाले हैं, धन भी लाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यश में आप सभी का जीवन में मान सम्मान भी आप सभी को देने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, तीनों से आप सभी का जीवन परिपूर्ण होने वाले हैं। परंतु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताने वाले हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, और कौन कौन सी खुशखबरी या ग्रहों की स्थिति के कारण आपको कल से अपने जीवनकाल में मिलने वाले हैं उनके भी बारे में आप सभी को हम विस्तार से बताने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने जीवनकाल के कुछ महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आज के इस वीडियो को देना है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताने वाले हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, बस आप उन्हें ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इन्हें अंत तक एक बार देख लेंगे तो दोस्तों, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके जीवनकाल में जो भी परेशानियां पिछले कई समय से चली है दोस्तों, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जो भी मुसीबत पिछले कई समय से शत्रु आपके जीवनकाल में डाल रहे हैं, जिनसे शत्रु कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। जी दोस्तों, शत्रु आपके जीवनकाल में आपको परेशान करने में कामयाब आखिर क्यों होते हैं दोस्तों? उनमें आपकी ही गलती होती है। जी दोस्तों, सबसे पहला गलती आपकी यह होती है कि दोस्तों, आप आंख मूंद कर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा दूसरों को अपमान अपना मानते हैं दोस्तों, दोस्ती करने में आपसे आगे कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हर बार आपके यह भरोसा ही आपको तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको यकीन अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों, आप थोड़े समय पहले में झांक कर देखिएगा दोस्तों, पिछले समय आपने जिनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है, जिनके लिए दोस्तों आपने अपने जीवनकाल में सब कुछ किया है, जिनके लिए आपने दिन रात एक कर दिए हैं, जिन्हें खुश करने के लिए आपने अपना दिन अपना रात नहीं देखा है दोस्तों, अपने अरमानों का भी गला आपने दबा दिए हैं जिन्हें खुश करने के लिए। और दोस्तों, वह व्यक्ति ही आपके लिए बुरा बन गया है, वह व्यक्ति आपके लिए दुश्मन बन गया है, और दोस्तों वही व्यक्ति आपको धोखा भी दे रहा है दोस्तों। ऐसी क्रियाएँ अगर आपके साथ हो रही है तो दोस्तों, आपको चौंकना होना आवश्यक है दोस्तों। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वह व्यक्ति वैसा था, यह व्यक्ति वैसा नहीं होगा
दोस्तों हम आपको इस कलयुग का एक मंत्र बताते हैं कि कलयुग पर जितना भी व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग पर कोई भी व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहेगा। कलयुग पर शुभ व्यक्ति धन के लिए ही कार्य करेगा। कलयुग पर व्यक्ति शुभ पेशों के लिए ही कार्य करेगा, क्योंकि दोस्तों ये कल हो जाएगा। दोस्तों आज में कोई भी रहना नहीं चाहेगा, इसलिए दोस्तों सारे लोग अपने मतलब से ही कार्य करते हैं। कल उनके लिए क्या अच्छा हो, दोस्तों उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। अगर आपसे उन्हें कोई लाभ मिल रहा है तो उनका कल अच्छा हो जाएगा, इसलिए वो आपके साथ आज है। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर वो आपके साथ आज रहे और कल उनका खराब हो जाए तो दोस्तों वो तुरंत ही आपसे पीछा छुड़ाकर भाग जाएंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसा आपके साथ हुआ भी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई समय से आप जिनकी मदद कर रहे हैं, जिनकी भी आप इतने सारे मनोकामनाएं पूरी किए हैं, जिनको आपने संकट से बाहर निकाले हैं, बहुत सारी परिश्रम करके अपने जीवनकाल की सारी कमाई उनके ऊपर दे दिए हैं उन्हें संकट से मुक्त करने के लिए। और दोस्तों जब आपकी बारी आई है, जब आपके ऊपर संकट आई है, तो दोस्तों वह व्यक्ति दुम दबाकर भाग गया है। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों वह व्यक्ति पीठ दिखाकर भाग गया, क्योंकि दोस्तों वह जानता है कि आपके साथ रहने से उनका कल खराब हो जाएगा, क्योंकि उनका कमाया धन आप ले लेंगे। आपकी मुसीबत में बाहर आते आते दोस्तों उनका बहुत सारे धन खर्च हो जाएंगे। दोस्तों ये सब चीज़ों को देखकर वो आपके आगे से निकल गए, वे आपके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिए। तो दोस्तों बस आपको अपने जीवनकाल में बस ये सबसे बड़ी जो गलती होगी दोस्तों, इन्हें आपको नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है कि दोस्तों किसी के भी ऊपर इस कलयुग में आपको आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। दोस्तों दूसरा जो आपकी गलती होती है कि दोस्तों आप जब भी कोई कार्य करते हैं, जब भी कोई बड़ा कार्य करने वाले होते हैं, तो दोस्तों उनकी जो ढिंढोरा आप पिटने लगते हैं। कार्य शुरू होने से पहले दोस्तों उनका आप जो उल्लेख हर किसी के सामने कर देते हैं, जो भी आपके जीवनकाल में व्यक्ति होता है, जिन्हें आप अपना मानते हैं, जो भी आपके साथी व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों अब आपको जीवनकाल में ऐसा नहीं करना है, चाहे दोस्तों कोई भी रिश्तेदार हो, कोई अपना संबंधी हो, कोई भी सगा हो। दोस्तों जो भी कार्य आपने शुरू किए हैं, दोस्तों उन सारे बातों को अपने दिल में ही दबा कर रखना है जब तक वह कार्य सफल न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, पर दोस्तों बहुत सालों से भी, बहुत समय से भी यह कहावत चल रही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों खामोशी से मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, और जो पहले से शोर करते हैं, शराबा करते हैं, दोस्तों उनको सफलता नहीं मिलती, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य शुरुआत की जो भी बातें आपके जीवनकाल में हैं दोस्तों, उन सभी बातों को आपको अपने ही दिल में दबा कर रखना है, किसी के सामने उजागर नहीं करनी है। दोस्तों ये आपकी जीवनकाल की दूसरी बात है जो जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप जब भी अपने जीवनकाल में कोई उपाय करते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना है। जी हाँ दोस्तों, कि हमने ये उपाय किए हैं, ये टोटके किए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप टोटके पर यकीन करते हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगला व्यक्ति भी उन पर यकीन करता है। इसे दोस्तों आपका जो कर्म होता है दोस्तों वह टूट जाता है। जी दोस्तों, इसलिए आप जितना ईश्वर पर यकीन करते हैं उतने ही भक्तिमय के साथ अपने उन कार्यों को कीजिएगा जिनमें आपका मन लगता है, और दोस्तों किसी को उनके बारे में आपको नहीं बताना है। जी दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपको अपने दिल के गहरे राज को किसी के साथ शेयर नहीं करनी है जब तक आपका काम नहीं पूरा हो जाता। जी हाँ दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना है। तो आए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये सब बातें आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी था। साथ ही साथ एक और बड़ी बात आप सभी को बताते चले कि दोस्तों कल से आप सभी के जीवनकाल में जो भी घटनाएं होने वाली है, जो भी कार्य होने वाले हैं दोस्तों, वे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल से जुड़ जाएं। जी दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी भगवान भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी का अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों हमारे परिवार में जितने भी जातक जुड़े हैं दोस्तों, उन सभी के लिए बहुत ही सिद्धियों का उपयोग किया जाता है, जिनसे उन सभी का घर परिवार सुखमय हो। इसलिए दोस्तों आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, और दोस्तों आपके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों से के साथ हम आपको बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें
श्री कल से आपशुभ के जन्मकाल में ग्रहों की बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। यश में गुरु शुक्र और जो बुध की स्थिति है बहुत ही अच्छी है। एक साथ इन सभी की युति के कारण गजकेसरी नाम का युग का निर्माण होगा, जिनसे आपशुभ के जन्मकाल में धन सुख संपत्ति सभी की प्राप्ति होगी। समाज में आपशुभ का मान सम्मान बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और यश में आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यश में आपकी बड़ी बड़ी सफलताएँ आपके कदम चूमने वाली है। यश में जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है कल से दोस्तों, इनसे आप सभी के खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ जी हाँ दोस्तों कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, कौन कौन से क्षेत्रों में, हम आपको सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बस आप आगे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी के जन्मकाल में सदैव बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कल से आपको अपने जन्मकाल में कुछ उपायों को भी करना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यश में आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलने वाले हैं। मन चाह सफलता यश में आपको मिलने वाले हैं। समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ग्रहों की जो स्थिति है बुध शुक्र और जो यश में गुरु की स्थिति है दोस्तों, इनमें संतान सुख की आपको प्राप्ति होने वाली है। संतान से कोई बड़ी खुशखबरी यश में आपको मिलने वाली है। यश में आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होने की संभावना बन रही है या फिर योजना भी बनेगी। दोस्तों सबसे पहले बड़े यश में आपको बात बता दें कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप सभी का घर में सकारात्मक ऊर्जा बना रहेगा। दोस्तों यश में आपको अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनका आदर करना है, उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त करना है। इनसे दोस्तों आप सभी के जन्मकाल में सकारात्मक ऊर्जा रहेंगे। इनसे आपके मेहनत का फल आप सभी को मिलने में आसानी होगी। इसे दोस्तों गुरु भी अच्छे होते हैं। जी दोस्तों, जिनके भी जातक में गुरु का प्रभाव कमज़ोर है या फिर जिनको धन की कमी है, जिनको अपने जन्मकाल में वैभव की कमी है दोस्तों, वो अपने जन्मकाल में अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दें। अपने बूढ़े बुजुर्गों को बिल्कुल ही आदर सम्मान करें दोस्तों, उनके आशीर्वाद को लें। इससे दोस्तों गुरु अच्छे होते हैं और दोस्तों गुरु के अच्छे होने से धन वैभव सब कुछ मिलते हैं। जी दोस्तों, और यश में आपके परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलने से, माता पिता का सहयोग मिलने से आप सभी के अंदर एक ऊर्जा का जो है अलग ही रहेगा लेवल। जी हाँ दोस्तों, यश में आपका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यश में आपको अपनी योग्यता व फिर क्षमता पर गर्व महसूस होगा। यश में आपको कहीं से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। दोस्तों यह समाचार धन प्राप्ति का हो सकता है, संतान प्राप्ति का हो सकता है या फिर नौकरी प्राप्ति का भी हो सकता है। दोस्तों कोई ऐसा शुभ समाचार आप सभी के जन्मकाल में कल से आने वाले हैं, जिसे दोस्तों आप सभी के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों यश में विद्यार्थियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई के प्रति आपको आकर्षित रहने की आवश्यकता है। दोस्तों पढ़ाई करें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। साथ ही साथ दोस्तों यश में आपको घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह भी लेना आवश्यक है। दोस्तों ये आपके लिए वरदान साबित होगा। तो दोस्तों जो भी लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों घर घर के फरिश्ते की सलाह आप जरूर लें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं दोस्तों, उनका सलाह लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वे फरिश्ते के ही समान होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में जो भी ग्रहों की स्थितियाँ होंगी वे आपके पक्ष में होंगी। दोस्तों बदलते हुए ग्रहों की चाल में आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों ये ग्रहों की चाल आपको बहुत ही बड़ी लाभ की प्राप्ति करवाने वाले हैं। लाभ के यश में योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, धन योग का निर्माण यश में आपकी राशि पर होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप जो भी कार्य करें सोच समझ कर कार्य करें, आपको उनमें लाभ होगा। दोस्तों जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य ना करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ कोर्ट संबंधी जो भी मामले हैं उनसे जुड़ी कोई अच्छी खबर आप सभी को प्राप्त हो सकती है। दोस्तों जो भी मामले आएंगे वे दोस्तों आपके ही पक्ष में होंगे और दोस्तों ये खुशखबरी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंगे। जी दोस्तों, यश में आप किसी भी जो कहीं पर अगर आप बाहर गए हैं तो दोस्तों वहाँ पर कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कोई सलाह दे रहा है। अगर आप कोर्ट में ही गए हैं या फिर किसी कार्यालय में गए हैं तो दोस्तों वहाँ पर जो भी व्यक्ति बिना पूछे आपको सलाह दे रहा है तो दोस्तों उनके बातों में आप ना आए। जी दोस्तों, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आपको यश में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यश में आप दोस्तों क्रोध के प्रभाव से बहुत सारे कार्य को बिगाड़ सकते हैं। क्रोध से आप
बहुत सारे ऐसे कार्य को बिगाड़ सकते हैं जो कि दोस्तों आपके लिए भविष्य में बहुत ही बड़ा लाभदायक साबित होगा। अजय दोस्तों, यश में साथ ही साथ आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दबाजी से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आप और भी परेशानियों में फंसते जाएंगे। इसलिए दोस्तों यश में आप इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, और दोस्तों ये स्वभाव भी आपके लिए बहुत बार विनाश का कारण बन जाता है। जी दोस्तों, यश में आप अपने जन्मकाल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दोस्तों आपके लिए मदद मांगने को आ सकते हैं, आपके ऊपर दोस्तों कुछ पेशे की मांग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यश में आपको बिल्कुल ही सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है कि आपके साथ कुछ धोखा भी हो सकता है जी दोस्तों, और धन की धोखा खास हो सकती है। इसलिए दोस्तों यश में धन के मामले में आपको सावधान रहना होगा। चाहे दोस्तों यह धोखा आपको किसी को, अगर आप धन उधार दे रहे हैं तो दोस्तों वहाँ भी आपको धोखा मिल सकता है। तो दोस्तों यश में आपको धन की लेन देन से बचना है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कोई कार्य मिलजुल कर रहे हैं, किसी के पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो दोस्तों इनमें भी आपको सावधानी बरतनी है, यहाँ पर भी आपको धोखा मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें और सावधान रहें, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको लाभ होने वाले हैं, साथ ही साथ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, परंतु आप सभी को बता दें कि यश में आपको फिजूल खर्चे पर नियंत्रण करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिजूल खर्चे पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी इनसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ खास करके युवा वर्ग के व्यक्ति जो भी हैं, मौज मस्ती में अपना समय को बर्बाद ना करें, इससे दोस्तों आपका आने वाला भविष्य खराब होगा। इसलिए दोस्तों इस समय का प्रयोग आप बिल्कुल ही अच्छे कार्यों में करें, ताकि दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खुशियों को लेकर आए, माँ बाप के सपने को पूरा करने वाला समय हो। इसलिए दोस्तों यश में आप अपने करियर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करें, ये आपके आने वाले समय को बिल्कुल ही खुशियों को लेकर आएगा, आपके सारे सपनों को सच करने वाला लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में जो भी लोग प्रेम संबंध में हैं दोस्तों, उन सभी के जीवनकाल में बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। उन सभी के जीवनकाल में यश में ग्रहों की स्थिति और जो भाग्य है उनका पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों आपके रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़े नोकझोंक चल रहे थे, या फिर घर परिवार की सहमति नहीं मिल पा रही थी, तो दोस्तों यश में घर परिवार की स्थिति बहुत ही अच्छी है, घर परिवार से बात कर सकते हैं। दोस्तों उन सभी का सहयोग आप सभी को प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों यश में शुक्र की जो स्थिति है, इनसे दोस्तों घर के परिवार का सहयोग मिलना सबसे बड़ा चीज़ है। जी दोस्तों, यश में समय बहुत ही अच्छा है, वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, और पारिवारिक मामलों में काफ़ी हद तक आप सभी का जो स्थिति है बहुत ही अच्छा रहेगा। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों यश में आपको अपने जीवन साथी का स्वभाव बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि सेवा भाव से साथी को भी आप प्रसन्न कर पाएंगे, मानसिक रूप से आप शुक्र भरा महसूस करने वाले हैं। जी दोस्तों, किसी भी मामले में जीवन साथी का साथ छोटी बात नहीं होती है। जी दोस्तों, कोई भी मामले में अगर आपको जीवन साथी का साथ मिल रहा है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और एक बात बता दें कि दोस्तों नोक झोंक जीवन काल में होना सामान्य बात है, लेकिन दोस्तों छोटी छोटी बातों को लेकर दोस्तों आप बिल्कुल ही अपने जीवन साथी से नहीं रूठें, क्योंकि दोस्तों ये आपके जीवन काल के लिए बहुत ही मुश्किल का भी स्थिति को लेकर आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों साथ ही साथ अपने जीवन साथी के साथ कभी भी किसी बात को लेकर आप ईगो ना करें। दोस्तों बहुत सारे रिश्तों को ईगो एक ही सेकंड में तोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप इस बातों का ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपके प्रेम संबंध के लिए खासकर बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में आपके व्यवसाय करियर से जुड़ी बातों पर अगर चर्चा करें तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों उस कार्य को आप गंभीरता से सोचें, और दोस्तों निकट भविष्य में ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, इस बात का ध्यान रखें, तभी दोस्तों आप कार्य करें। क्योंकि दोस्तों शुभारंभ में अगर आप नहीं सोचेंगे तो दोस्तों भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। और दोस्तों यश में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी है, यश में आप सोच समझकर कार्य कीजिएगा, उनमें आपको लाभ मिलने वाले हैं, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं, इतने लाभ मिलने वाले हैं कि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति को ये बिल्कुल ही बदल सकता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपके साथ है, भाग्य का पूरा पूरा साथ आप सभी को मिलने वाले हैं। इनसे दोस्तों आप सभी को आर्थिक स्थिति में जो भी
घटनाएं देखने को मिल रही थी। एक प्रकार से कहें जो भी आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर थी दोस्तों यश में मजबूत होने वाली है। व्यवसाय की नई शुरुआत करने के लिए समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस अवसर का आप लाभ उठाएं, आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी दोस्तों। जो लोग यात्राएं करना चाह रहे थे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपके वे मौके मिलने वाले हैं और दोस्तों उनमें आपके जो भी कार्य हैं वो भी पूरे होने वाले हैं, यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। हाँ जी दोस्तों, यश में जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे तो दोस्तों नौकरी प्राप्ति के भी आपके जीवनकाल में योग बनेंगे। बेरोजगार लोगों को यश में मनचाहा नौकरी मिलने वाला है। यदि दोस्तों नौकरी से संबंधित कुछ सरकारी परीक्षा आपने दिए हैं तो दोस्तों उनका परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। बहुत ही समय अच्छा आपके लिए बनेगा और दोस्तों आपके जीवनकाल में व्यवहार से संबंधित या फिर कोई भी रुका हुआ कार्य है, रुका हुआ पेशा है दोस्तों, वे सारे रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। रुका हुआ पेशा आप सभी को वापस मिलने वाले हैं दोस्तों। यश में पेशे की धन प्राप्ति के भी योग आप सभी के जीवनकाल में बनने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप सभी को निराश नहीं होने हैं, बशर्ते दोस्तों इसके लिए आपको वैसे ही प्रयास करते रहना है जिसे आप कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको आपका धन वापस मिल जाएगा। प्रॉपर्टी संबंधित समय आपके लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। जी दोस्तों, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी जिनमें आप निवेश कर रहे हैं दोस्तों जारी रखें। यह समय नया वाहन लेने की जो आप कोशिश कर रहे थे तो दोस्तों समय बहुत ही अच्छा है। यश में आपके लिए उचित योग भी है, इसलिए दोस्तों यश में भाग्य का कुछ ऐसा आपको साथ मिलेगा कि आपको नए वाहन लेने के सपने भी पूरे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि स्वास्थ्य यश में आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। जी दोस्तों, जो लोग पिछले करिश्मे से स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा निराश हो रहे थे, पेट की समस्या, दर्द की समस्या या फिर बहुत सारे ऐसे मानसिक कष्ट की समस्या हो रही थी तो दोस्तों यश में ग्रहों की स्थिति आपके साथ है दोस्तों। यश में आप ऊर्जावान रहेंगे, परंतु दोस्तों आप सभी को बता दें कि ज़्यादा कार्य का आप तनाव ना लें। जी दोस्तों, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा दोस्तों, इनसे आपको थकान महसूस हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आप बिल्कुल ही तनाव ना लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ गलत भी हो रहा है तो भी दोस्तों उनमें आपको अच्छा सोचना है, इन्हें मानकर चलना है कि दोस्तों इनसे आपका तनाव मुक्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति आपके साथ अच्छी है तो दोस्तों आपको अच्छा ही स्थिति देखने को मिलेगा भविष्य में, इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोस्तों आपको कौन से उपायों को करना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है। माता लक्ष्मी का साथ आपको मिलने वाले हैं, गुरु का आपको साथ मिलने वाले हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए तो आइए दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में आपको अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो दोस्तों एक पक्षी जो पिंजड़े में बंद है दोस्तों आप बाजार से खरीद कर लाए और उन्हें आसमान में उड़ा दें। जी दोस्तों, इनसे आपका जो भी मानसिक चिंताएं हैं दोस्तों वो समाप्त हो जाएंगे, जड़ से समाप्त हो जाएंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यश में माता लक्ष्मी आपके घर में आ रही है तो दोस्तों यश में आपको क्या करना है कि दोस्तों घर की सारी स्त्रियों को आपको सम्मान करना है और दोस्तों छोटे छोटे कन्याओं को, कम से कम 9 कन्याओं को आपको 5 रुपये के सिक्के का दान करना है। दोस्तों ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी का वास स्त्रियों में होती है और दोस्तों आपको स्त्रियों का सम्मान जरूर ही करना चाहिए। अपने जीवनकाल में किसी भी स्त्री को आपको अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों। स्त्री महान है क्योंकि दोस्तों उनके जीवनकाल में माता लक्ष्मी का वास है। जी दोस्तों स्त्री से जुड़ी हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि नारी और वृक्ष दोनों एक जैसे होते हैं, खुश हो तो दोनों फूलों से सजते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं और छटते हैं, इनकी छांव कितने लोग पलते हैं, देना देना ही इनकी नीति है, औरों की झोली भरना ही इनकी प्रवृत्ति है, धूप और वर्षा सहने पेड़ की शक्ति है, दुख पाकर सह लेना नारी ही कर सकती है, नारी और पेड़ एक अबुज रिश्ता है जो दोस्ती मिलता जुलता है, जो दोस्ती से मिलता जुलता है। पेड़ चाहते हैं कि कुछ पानी और कुछ खाद, स्त्री चाहती है प्यार और सम्मान। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको स्त्री को बस प्यार और सम्मान करना है क्योंकि दोस्तों स्त्रियों में माता लक्ष्मी का वास है। स्त्री अगर इस धरती पर आई है तो दोस्तों वह जग कल्याण के लिए ही आई है,
पुरुषों के कल्याण के लिए ही आई है। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर में माता लक्ष्मी का वास है तो बस आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों उम्मीद करते कि हमारे दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आए हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल।